Hello friends, मेरा नाम है वैभव और मेरे चैनल वेब टेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हो वेब टेक चैनल। आज के मैं वीडियो में बताऊंगा कि जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम आती है लॉन्चर के अकॉर्डिंग, कुछ लोग ये सोचते हैं कौन सा लॉन्चर उनके लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं। तो जैसा कि ये मेरे फ़ोन का डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है, इसमें हमें इसकी देखिए सेटिंग में जैसे हमें मुझे दो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर मिलते हैं। डिस्प्ले पे जाते हैं और हम अब होम पे जाते हैं। देखिए होम स्क्रीन स्टाइल, तो देखिए ये डॉयल लगा हुआ है। अगर हम इसे स्टैंडर्ड करते हैं, देखिए जो भी हमारी इसमें पड़ी होंगी ये ऐप्स वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। जैसे MI का आपका लॉन्चर है, ये MI का लॉन्चर की तरह है। अब इसको हम वापस पे ले जाते हैं, सेटिंग पे जाते हैं। सेटिंग पे जाते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे और देखिए होम स्टाइल पे। अब यहाँ पे हम डायर लगाते हैं, देखिए ये जो है आपका टू लेयर वाली में आ गया आपका लॉन्चर। इस पर आपका नीचे स्क्रॉल अल्फाबेटिकल आएगा। और एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा जो आप उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपके जो अल्फाबेटिकल अरेंज नहीं होते आइकॉन्स, तो उसमें आपको कोई भी ऐप ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम लगती है अगर आप नॉर्मल यूज़ नहीं कर रहे हैं उस ऐप को। और इसमें भी कई खामियां इसके लॉन्चर पे भी। अब जैसे हमें किसी की प्रॉपर्टीज खोलनी हो तो देखिए इस पर ऑप्शन दिए आते हैं, सर्च डिस्कवर लेटेस्ट। लेकिन जिस व्हाट्सएप पे करता है आपको कैमरे पे करते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपका मूविंग वाइड वीडियो सेल्फी मोड आ रहा है। इसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ कहीं नहीं खुलती। इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलने के लिए आपको सेटिंग में जाके आपको करना पड़ेगा, आपकी जो भी सेटिंग में जाके देखना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ में जाके। अब मैं आपको एक ऐसा लॉन्चर बताऊँगा जो आपकी ये सब रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। तो पहले हम प्ले स्टोर खोलते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। लॉन्चर, और ये लॉन्चर एकदम एड फ्री लॉन्चर है। बाकी लॉन्चर आप डाउनलोड करेंगे तो प्रो वर्जन, अगर आपका वो लॉन्चर नहीं है तो उसमें ऐड आएंगे, चाहे पोको लॉन्चर हो या MI लॉन्चर हो। इस तरह पे आते हैं और इसका साइज है 25 MB और ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ही है ओरिजिनल। देखिए इसमें भी 2.6, इस हिसाब से पता चल रहा है आपकी जो इनकी रैंक है वो कितनी अच्छी है। मोस्टली लोगों ने इसे 5 स्टार ही दिए हैं। देखिए इसमें भी बीटा वर्जन अवेलेबल है, हम इसको इंस्टॉल करके इसका बीटा वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं चाहे तो। और बीटा वर्जन में ये होता है कि जैसे कुछ भी इनका अपडेट जो आना है वो पहले बीटा वर्जन पे उतारते हैं, उसके बाद ये स्टेबल वर्जन, जैसे आपका MI फोन आप जो लोग यूज कर लोगे वो बीटा वर्जन और स्टेबल वर्जन को अच्छे से जानते होंगे। देखिए 87% हो गया, 96, देखिए सॉलिड, देखिए इंस्टॉलिंग हो रही है, देखिए इंस्टॉल हो गया। अब इसे ओपन करते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का पूरा आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, पर्सनलाइज योर फोन, स्टे ऑन टॉप योर डे एंड बी प्रोडक्टिव अक्रॉस ऑल योर डिवाइसेस। आप इसको अकॉर्डिंग टू डिवाइस और डिवाइस को ही कंट्रोल कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड करते हैं, देखिए
साइन इन टू द फिनिशिंग लिंकिंग. अगर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पहले से है, जैसे जो मोस्टली लोग विंडोज 10, 8 यूज़ कर रहे हैं, उनका अकाउंट जरूर होगा, तो अपनी उसी आईडी से लॉग इन कर दें, वरना फिर आप आई डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं. तो जैसे मेरी आईडी है, मैं उस पर लॉग इन करता हूँ. ठीक है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वाला जो पासवर्ड है वो यहाँ एंटर करना होगा. साइन इन पे क्लिक करते हैं. ओपन फोटोज ऑन योर पीसी विदाउट सेंडिंग ईमेल. Send web pages from your phone. Set up a standing wallpaper rotation. ये तीन चीज़ें हैं इसमें. Got it. देखिए दिखा रहा है कि आपका अकाउंट लिंक हो चुका है. स्क्रीन के लेट्स गो. अब देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट का पूछ रहा है कि आप डिफॉल्ट लॉन्चर किसे रखना चाहते हैं. तो लॉन्चर पे जाएंगे हम, माइक्रोसॉफ्ट को सेलेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं. देखिए ये आपका लॉन्चर सामने आ चुका है. देखिए अब इसमें देखिए ये लॉन्चर की सेटिंग है, अलाउ करते हैं. यहाँ देखिए मेरा नाम आ रहा है और ये बैकअप एंड रिस्टोर. जैसे आपने कभी भी कोई भी इसकी सेटिंग करके रखा है और आपको फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ रहा है, तो इस पर जाएंगे और देखिए बैकअप और रिस्टोर. तो आप फर्स्ट टाइम फोके तो आप बैकअप पर क्लिक कर देंगे तो ऑनलाइन ये इसका बैकअप जनरेट कर देगा आपका जो लॉन्चर की सेटिंग है. और आपने जैसे डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप रिस्टोर करेंगे जो पुरानी सेटिंग आपने बैकअप बनाया उसको कर देगा. और ये देखिए वॉलपेपर्स, यहाँ आपको और वॉलपेपर्स मिल जाएंगे. देखिए गैलरी के हैं ये, बिंग्स के हैं ये, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर के हैं वॉलपेपर्स. देखिए डाउनलोड करने को कह रहा है, ओके करते हैं. जैसे ये वाला है वॉलपेपर, मैं डाउनलोड करता हूँ. अब ये पूछा है कि आपको होम स्क्रीन पे करना है या लॉक स्क्रीन, तो होम स्क्रीन करते हैं. ये देखिए सेट हो गया होम स्क्रीन पे. ये भी फाइन न्यू और ये गेस्चर्स हैं. आप अपने हिसाब से गेस्चर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से गेस्चर पे कौन सी एप्लीकेशन पे कौन से. अच्छा डबल टैप है तो आप जैसे मोबाइल पे होता है डबल टैप, जैसे नॉर्मली आप फ़ोनों में आ रहा है डबल टैप टू अनलॉक फ़ोन, या आपको डिस्प्ले ऑप्शन पे मिलता है मोस्टली फ़ोन की सेटिंग में. पर डबल टैप टू लॉक आपको नहीं मिलता कहीं भी, तो इसके थ्रू आपको डबल टैप लॉक मिलेगा, स्क्रीन लॉक. इस पर सेलेक्ट कर लेंगे. ये कॉर्टेना इनका जो माइक्रोसॉफ्ट वालों का है. ये जनरल सेटिंग्स हैं कि आपको क्लॉक कितने आवर्स के हिसाब से चाहिए, 24 आवर फॉर्मेट में चाहिए. लैंग्वेज सिस्टम लैंग्वेज और सर्च इंजन. देखिए वॉइस के अकॉर्डिंग और क्या क्या आपको चाहिए ये सब इसमें मिलेगा. सर्च इंजन जैसे बिंग की जगह हम लगा देते हैं गूगल. और देखिए ये जो लॉन्चर है, देखिए इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे. ये देखिए मेनू आ रहा है आपका ABCD करके. आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा चाहिए आपको. और ये देखिए हिडन ऐप, हाइड रिसेंट ऐप रॉयल हिडन ऐप करते हैं. देखिए हाइड, अब यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं ऐप्स को, जिनको ऐप्स को हाइड करना है. और इसमें एक चीज़ और देखेंगे, जैसे ये आपका सर्च बार है, इसको आप चाहे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते.
वरना इस पे जो आपकी सेटिंग्स हैं जैसे कैमरा है यहीं पे आपकी लोकेशन बता रहे हैं, आप सर्च करना चाहें तो इन जैसे कुछ जैसा आप कोई भी कैमरे में यूज करेंगे तो इसको ये वो कर देगा। और देखिए इसकी जो कैमरे की सेटिंग है इसमें आपको QR कोड स्कैनर सामने दे दिया है। और ये जो आपका है वॉइस लाइब्रेरी, तो हम चाहे इसे रख सकते हैं या डिलीट भी मार सकते हैं। ये देखिए रिमूव करते हैं यहाँ से, और एक चीज़ और इसमें शॉर्टकट्स अच्छा दिया है, जैसे आपके यहाँ पे जो आता है ये सब आ रहा है ठीक, तो अब आपका यहाँ नीचे से भी आप सेट कर सकते, अब आपका यहाँ नीचे से भी आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये चार पांच तो आपके डिफॉल्ट जो ऊपर की लाइन पे रहते हैं और ये पांच आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटा दिया हमने। अब हम नई ऐप कोई भी रखना चाहें, जैसे हम फेसबुक रखते हैं, ये यहाँ पे हम लगा सकते हैं। जैसे हमने फाइल टू गो लिया, ये लगा दिए। अब देखिए जैसे हमने ऊपर किया, अब फाइल टू गो पे क्लिक किया दिख जाएगा आपका। देखिए इसका आइकॉन भी आप सेट कर सकते हैं हिसाब से, की सेटिंग में जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका है पर्सनलाइज, यहाँ पे आप जो आइकॉन है उनका साइज, थीम्स, ये देखिए थीम्स भी आप लाइट चाहते हैं डार्क चाहते हैं ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ये ट्रांसपेरेंट चाहते हैं बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट रहे। ये कर सकते हैं। और देखिए ऐप फोल्डर के लिए ये है कि आपको फोल्डर के हिसाब चाहिए, सर्कल में चाहिए, ट्रांसपेरेंट में चाहिए, ये ऐप ड्रॉयर वर्टिकल ले रहा हो चाहिए, ऑरिजेंटल या अल्फाबेटिकल। देखिए जैसे हम इसको स्वैप करते हैं तो इनका माइक्रोसॉफ्ट का ये आ जाता है यहीं पर। देखिए यह जो आपको सर्च वाला दिख रहा था वो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ इन्होंने, यहाँ से आप जा सकते हैं। और देखिए ये जो आज का कैलेंडर शो कर रहा है और न्यूज हो गई आपकी, ये आपका कॉर्टेना है, एक्टिविटीज अनेबल रिसेंट आइटम्स अगर कर देंगे तो रिसेंट आइटम यहाँ शो करने लगेगा, ये फाइल्स कोर्स और अनेबल कॉन्टेक्ट कार्ड, यहाँ पे कॉन्टेक्ट कार्ड शो करने लगेगा। तो आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो, आपको कौन सा डिफॉल्ट में रखना है, कौन सा ज़्यादा यूज करते हैं कॉन्टेक्ट, उसको आप यहाँ लगा सकते हैं। देखिए जैसे मेरा लॉन्चर था जो मैं अपनी सेटिंग दिखाता हूँ, रिस्टोर करता हूँ इसे। देखिए ये दिखा रहा है मैं 9 तारीख को मैंने 2 किए हैं, 9 तारीख को मैंने 2 किए हैं और 8 तारीख को, तो मैं रिस्टोर करता हूँ इसको। ओके रिस्टोर नाउ कंफर्म। देखिए डाउनलोडिंग कर रहा है बैकअप को। अब देखिए अपलोड अपडेटिंग फोन प्लीज वेट। देखिए अपडेटिंग चल रही है। देखिए अपडेटिंग के बाद देखिए फोन की सेटिंग चेंज हो गया है, मेरे जो प्रीवियस पूरी सेटिंग लगी थी वो फोन की इसमें वापस आ गई है। ये बैटरी वाला जो है इसको हम दोबारा से रिफाई करना पड़ेगा हमें।
ये टेम्परेचर भी आज का 35 डिग्री चल रहा है। और इसकी एक खास बात जो मैं आपको बताना भूल गया, वो एक इसकी एक खास बात ये है कि आप जैसे नॉर्मली आपको जाना होता है फ़ोन की प्रॉपर्टीज़ खोलनी पड़ती है MI में, तब भी आपको रिसेंट जैसे आप करते हैं रिसेंट, वहाँ जाकर एप्लीकेशन को होल्ड रखिए तो प्रॉपर्टीज़ के लिए ऑप्शन आ जाता है, पर इन सब फ़ोनों में वो चीज़ नहीं दी है, आपको डायरेक्ट सेटिंग में जाके वहाँ से ऐप्स में जाके करना पड़ता है। तो इसके लिए भी इसमें जैसे आप कहें ठीक है या हम कहें, या देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल एड होम अनइंस्टॉल, ये ऊपर एडिटिंग का ऑप्शन है, एडिटिंग पे क्लिक करते हैं पेन पे, तो देखिए यहाँ पे ऐप्स का नाम चेंज कर सकते हैं हम, और आइकॉन देखिए न्यू आइकॉन दिखा रहा है छोटे, और इसके अलावा कुछ और करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर के आइकॉन लेना चाहते हैं यहाँ टैप करेंगे, देखिए इतने सारे ये आइकॉन्स आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी आइकॉन इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और न्यू डाउनलोड करना है तो गूगल प्ले से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो देखते हैं और जो जी दिखाते हैं, और ये देखिए आई दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए प्रॉपर्टीज की एम खुल गया, जो कि नॉर्मली आपको फ़ोन सेटिंग में जाके ऐप्स में जाके खोलना पड़ता है, लॉन्ग प्रोसीजर था वो इन्होंने इस लॉन्चर में शॉर्ट कर दिया गया, और ये पहला लॉन्चर है जिसमें मैंने ये चीज़ देखी है, और इससे पहले मैंने नोवा प्राइम यूज़ किया है, वो भी अच्छा लॉन्चर है, पर सबसे बेस्ट मैंने नोवा लॉन्चर को साइड में रख दिया है, और जैसे नोवा लॉन्चर है वो भी काफ़ी अच्छा लॉन्चर है, पर पहले मैं उसी लॉन्चर को यूज़ कर रहा था, पर जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक बार यूज़ किया तो उसके बाद मुझे यही लॉन्चर सबसे बेस्ट लॉन्चर लगा है, क्योंकि आपका जो प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट खोल सकते हो, कोई ऐड नहीं आते इसमें, इसमें कोई ऐड भी नहीं है आपका, और लाइट वेटेड है, कोई इसमें वो नहीं है कि बग्स आ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, और इसकी थीम्स आइकॉन्स वगैरह जो मैंने बता दी आप किस तरह चेंज कर सकते हो, और हर एप्लीकेशन का आइकॉन आप दूसरा लगा सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर।